स्टडी सिटी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग 10th क्लास के एक ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें एक्सरसाइज 2 हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पढ़ चुके थे भूमि का उपयोग, भूमि का विभिन्न आधार पर उपयोग पढ़ लेते। उसमें हम लोग 5 प्रकार के पढ़े थे। आज हम दूसरा क्लास में पढ़ रहे हैं। इससे आगे जो आप हमारा आगे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पर आप सिटी स्टडी सिटी के नाम से सर्च कर सकते हैं और पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम यहां से क्लास शुरुआत करते हैं कि अगला क्या कहता कि भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप, भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप पहला क्या, भारत में 467 लाख हेक्टेयर व्यर्थ भूमि है। कारण कि भारत में 467 लाख हेक्टेयर भूमि क्या है, व्यर्थ है। व्यर्थ माने क्या, हमारे काम के वे भूमि नहीं है, हमारे उपयोग के नहीं है। जैसे देखते हैं कैसे बंजर भूमि, पाला क्या है बंजर भूमि, जो बंजर है तो हमारे उपयोग के नहीं है। गीली भूमि या जल जमाव क्षेत्र, कहता कि गीली भूमि या जल जमाव क्षेत्र जहां पर हमेशा सभी दिन क्या रहता है, पानी ही रहता है, तो ये क्या है व्यर्थ भूमि है क्योंकि ये हमारे उपयोग के नहीं है। उसके बाद है पथरीली भूमि, क्या है पथरीली भूमि, पथरीली भूमि क्या है व्यर्थ भूमि है जो हमारे काम के नहीं है, तो क्या होगा व्यर्थ भूमि में आएगा। उसके बाद रेतीली भूमि, ये सब क्या है सभी व्यर्थ भूमि है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट में उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में औसतन 10% से कम भूभाग पर खेती होती है। कारा के ये जो राज्य है कौन, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में औसतन 10% भूभाग पर खेती होता। कारा ये जितने भी राज्य है उसमें मात्र कारा कितने 10% भूमि पर ही कृषि होता है, वे हमारे काम के हैं, बाकी क्या है हमारे काम के नहीं है। देखिए दिखाया गया ये जितने भी राज्य उसमें कितना 10% भूमि क्या है पर खेती होता है, क्या होता है खेती होता है मात्र इससे, और जो 90% है उसमें क्या है व्यर्थ भूमि कहा जा सकता है, या उसमें हम लोग जो का हमारे कृषि योग्य भूमि नहीं है, क्या है कृषि योग्य नहीं है जो 90% की भूमि है। जैसे देखिए आप बात करते हैं तो ये भूमि में क्या होता है, क्योंकि उस पूर्वोत्तर के राज्यों में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में अधिक मात्रा में वहां पर क्या है पहाड़ है, क्या है वहां पर अधिक मात्रा पहाड़ है, इसलिए क्या है वहां हमारे कृषि योग्य भूमि नहीं है, मात्र 10% हम लोग क्या करते हैं कृषि करते हैं। उसके बाद देखिए ये जैसे अंडमान निकोबार के क्षेत्र में देखेंगे तो अंडमान निकोबार के क्षेत्र में अधिक मात्रा में क्या है वहां पर वन है, इसलिए वहां पर भी क्या है कृषि योग्य अधिक भूमि नहीं है। इसके बाद ये भी देखिए जैसे हो गया जम्मू काश्मीर का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड के क्षेत्र में वहां पर भी क्या है पहाड़ सर है, इसलिए वहां पर क्या कर कृषि कम होता है, इसलिए कहा जाए क्या जितने भी ये राज्य है उसमें क्या है 10% पर मात्र कृषि होता है, बाकी क्या हमारे काम की नहीं है, उसमें क्या पहाड़ है या किसी भी जगह वन है, किसी पर क्या पथरीली भूमि है, कहीं जगह बंजर भूमि है, तो हमारे क्या कृषि योग्य नहीं है, इसलिए भूमि पर क्या है जो हमारे कम ही भूमि पर वहां पर कृषि होता है मात्र 10% पर। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है कहना भारत सरकार के वन नीति के अनुसार कम से कम 33% भूभाग पर वन रहना चाहिए। कहता कि हमारे भारत सरकार के वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए वन होना चाहिए। तो देखिए दिखाया गया है कि 33% हमारे क्या होना चाहिए वन होना चाहिए, जो हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल है क्या है
हमारे कुल भारत के जितने क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत वन होना चाहिए, तो 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। उसके बाकी हो गया जैसे 67% भाग पर, तो हम लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, क्या करेंगे, कृषि करेंगे या रहने के लिए क्या है, आवास बनाएंगे, क्या बनेंगे, रहने के लिए आवास बनाएंगे, उसके बाद उद्योग लगाएंगे, और तरह जो 67% भूमि पर क्या गया उसमें 30% क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, और बाकी भाग पर कितना हो जाए, कृषि काम के हो जाएगा, आवास के लिए होगा, औद्योगिक क्षेत्र होगा, हो सकता है इसमें कुछ ऐसा होगा व्यर्थ भी होगा, कुछ भूमि क्या होगा व्यर्थ भी होगा। व्यर्थ भूमि जो हमारे काम का नहीं हो। फिर आगे देखते हैं, कारा की अगला पॉइंट है, भारत में 587 जिलों में केवल 166 में समुचित जंगल है और 82 जिलों में 32% वन और शेष 339 जिलों में 0.1 से 19% ही वन है। कारा क्या कि हमारे टोटल भारत में जिलों की बात किया जाए तो 587 है, कुल जिला कितना हो गया 587, उसमें कह रहा क्या 166 पर क्या है, 166 में समुचित या पर्याप्त वन है। क्या करा कि 587 जिलों में 166 में क्या है, समुचित या पर्याप्त 37% या 37% से अधिक वन है। उसके बाद कह रहा है क्या इसमें 82 जिला बच जाता है, कितना 82 जिलों में कह रहा कि 32% कितना है, 32% क्या है वन है, 82 जिलों में 32% क्या वन है, और बच गया इसके बाद कितना 339 जिला, 166 में कितना समुचित वन है या पर्याप्त वन है कि 33% है या 33% से अधिक है। उसके बाद कह रहा क्या 82 जिलों में क्या है 32% वन है और बच गया कितना 339 जिला, 339 जिलों में 0.1 से 19% तक वन है, क्या है 0.1 से लेके 19% तक वन है। तो हमारे भारत में कुल जिलों कितना हो गया 587, 587 बता रहा कि 166 में क्या है, 166 में समुचित वन है या पर्याप्त वन है, माने 33% है या 33% से अधिक है। उसके बाद है दूसरा कारा कि 82 जिलों में क्या है 32% वन है, कारा कि दूसरे 82 जिलों में कितना है 32% वन है। उसके बाद 339 जो जिला है उसमें कारा 0.1 से लेके 19% तक क्या है वन है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, कारा क्या भूमि निम्नीकरण, अगला पॉइंट क्या है भूमि निम्नीकरण, कहता भूमि के गुणों में कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। कहता क्या भूमि के गुणों में कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। जैसे हमारे शरीर को क्या करते विकास के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होता है, ऐसे ही भूमि को विकास करने के लिए क्या पोषक तत्व की आवश्यकता होता है। अगर उस तत्व में माने भूमि में क्या हो गया
कोई गुण की कमी आ जाता है तो वे क्या कहलाता है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। जैसे देखिए अब होगा क्या, भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित कारक है कि भूमि में कैसे कमी आता है, कि भूमि निम्नीकरण होता कैसे है, तो उसका क्या कहते हैं निम्नलिखित कारक है क्या है, उसका बहुत सारा कारक है। देखते हैं पहला क्या, लवणता। क्या है पहला, कि लवणता के कारण कहता कि भूमि निम्नीकरण हो गया। जैसे गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र की बात किया जाए तो वहां पर क्या है, अधिक मात्रा में समुद्र से लगा हुआ है, और समुद्र से लगा हुआ तो वहां पर क्या खारे पानी अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में सबसे अधिक किससे मात्रा किससे होता है भूमि निम्नीकरण, तो लवणता के कारण होता है। किधर, गुजरात और राजस्थान, गुजरात और क्या है राजस्थान का क्षेत्र, क्या गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में क्या होता है सबसे अधिक भूमि निम्नीकरण किसके कारण होता है, तो लवणता के कारण। दूसरा है जल जमाव। जल जमाव माने क्या, जहां पर सभी दिन क्या लगा हुआ हो, जल लगा हुआ हो, वहां उसके जो भूमि निम्नीकरण होगा किसके कारण होगा, तो जल जमाव। जैसे बिहार का क्षेत्र हो गया, बिहार के क्षेत्र में क्या होता है सबसे अधिक जो भूमि बर्बाद होता है किसके माध्यम से होता है, तो जल के माध्यम से होता है, क्या कि यहां पर सबसे अधिक बाढ़ आता है, क्या आता है बाढ़ आता है और वहां पर बाढ़ के पानी लगा रह जाता है, जिससे क्या भूमि निम्नीकरण होता है। तो ये सब बिहार का क्षेत्र में देखा जाएगा। उसके बाद खनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या भी होता, कि खनन के प्रक्रिया द्वारा भी भूमि निम्नीकरण होता है। अब खनिज प्रक्रिया द्वारा कैसे होता है, मान लीजिए कोई खाद्यान्न से हम खनिज निकाले और ये मिट्टी जो हम लोग हटाते हैं वहां से खनन करने के लिए, मिट्टी जो हटाते हैं तो उसको हम क्या करते, समतल नहीं करते, वैसे छोड़ देते हैं, उससे भी क्या होता है कि भूमि में जो मिट्टी में पोषक तत्व की कमी आ जाता है तो वही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। जैसे हो गया राजा क्या कहते हैं, अगर झारखंड का क्षेत्र देखा जाए तो ये भूमि खनन की प्रक्रिया से सबसे अधिक भूमि वहां पर क्या होता है निम्नीकरण होता है झारखंड के क्षेत्र में। ये हो गया झारखंड का क्षेत्र। उसके बाद है अति पशुचारण। क्या है अति पशुचारण, कि अति पशुचारण से क्या जमीन का मिट्टी बैठ जाता है और उसको तो हम लोग कोड़ते नहीं है तो उसमें क्या पोषक तत्व मिलता नहीं, जैसे ऑक्सीजन मिलना क्या होता है उसमें कम हो जाता है, तो उसमें भी क्या होता है भूमि निम्नीकरण होता है उससे भी। जैसे यूपी का क्षेत्र की बात करेंगे, क्या सबसे अधिक वहां पशुचारण होता है यूपी के क्षेत्र में हुआ। उसके बाद बर्फीली जमीन है, बर्फीली जमीन क्या होगा सालों भर वहां पर बर्फ जमी रहती है, उससे भी क्या होता है भूमि निम्नीकरण होता है, माने भूमि के पोषक तत्व में कमी आता है। जैसे उत्तराखंड के क्षेत्र देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र देखेंगे तो उसमें वहां पर जो भूमि निम्नीकरण किसके कारण होता है, तो बर्फीली क्षेत्र के कारण होता है, क्योंकि वहां पर सबसे अधिक मात्रा में क्या रहता है कि बर्फ रहता है, बर्फ जमा हुआ रहता है। जैसे उत्तराखंड का क्षेत्र एग्जाम्पल ले लेंगे, खंड हिमाचल प्रदेश ये सब क्या आएगा बर्फीली जमीन में आएगा। फिर आगे देखते अगला पॉइंट, कहता क्या अगला पॉइंट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के अनुसार 37 करोड़ हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हुआ है। कह रहा कि एक संस्था है कौन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF एक संस्था है जो कहता है क्या कि 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या हुआ निम्नीकरण हुआ। निम्नीकरण मैंने क्या कि पोषक तत्व की कमी आ गया उसमें, क्या हो गया उसमें पोषक तत्व की क्या हो गई कमी हो गया है। अब हुआ कैसे उसका देखते कारण, जैसे क्या कहते हैं, जैसे देखिए जल द्वारा अपवर्धन बने निम्नीकरण या अपवर्धन 56% से ये 56% किसके द्वारा हो गया है जल द्वारा। अब बताए थे कि जल द्वारा कैसे होगा, तो मान लीजिए बाढ़ का क्षेत्र जहां पर रहता है वहां पर सालों भर क्या रहता है पानी लगा रहता है, उसमें क्या होगा उसके पोषक तत्व में कमी आएगा, भूमि के पोषक तत्व में क्या होता है कमी आता है कि बार बार वहां पानी जमा रहता है, तो उसका भूमि तत्व भूमि में क्या होगा पोषक तत्व की कमी आ जाएगा। तो इसके क्षेत्र से कितना 56% हमारे भारत में क्या हो गया जल के द्वारा भूमि निम्नीकरण होता है। उसके बाद दूसरा नंबर पर क्या वन द्वारा,
गुणों के द्वारा कितना है 28%, क्या इतना है 28%। उसके बाद है वायु के द्वारा, वायु के द्वारा कितना है 10%। ये क्या है, वायु के द्वारा जो भूमि निम्नीकरण हुआ है, क्या हुआ है वायु के द्वारा। उसके बाद है 6%, किसके द्वारा, लवणता के द्वारा। लवणता और क्षार के द्वारा भूमि निम्नीकरण हुआ। तो हमारे भारत में सबसे अधिक भूमि निम्नीकरण किसके द्वारा होता है, तो जल के द्वारा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, वन के द्वारा भूमि निम्नीकरण होता है, तीसरा है वायु के द्वारा, और चौथा है क्या है, लवण और क्षार के द्वारा भूमि निम्नीकरण होता है। फिर आगे देखते हैं, कहता कि भूमि क्षेत्र का ह्रास, अगला टॉपिक क्या है, भूमि क्षेत्र का ह्रास। कहता भूमि के क्षेत्रों में कमी होना भूमि का ह्रास कहलाता है। कि कह रहा कि भूमि के क्षेत्र में कमी होना, क्योंकि हम समझते हैं कि भूमि एक बार निर्माण होने में बहुत सारे समय लगता है, और भूमि क्या है, एक सीमित संसाधन है। क्या है, एक सीमित संसाधन है, ये निर्माण होने में बहुत समय लगता है, इसलिए भूमि हमारा क्या है, सीमित संसाधन है। और कह रहा क्या, भूमि ह्रास, तो भूमि के क्षेत्र में कमी होना। अब कमी कैसे होता है तो देखते हैं, जैसे ये उद्योग का फिगर है, क्या है, मान ली हमारा जनसंख्या बढ़ेगा, तो हम लोग जो आज क्या करते हैं, जहां पर कृषि करते हैं वहां पर आवास बनाएंगे या कोई उद्योग लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, भूमि के जो कृषि योग्य भूमि था उसमें कमी होगा, तो इससे क्या होगा, भूमि का ह्रास होगा। या हम जहां पर अभी वन है, मान लीजिए हमको रहने के लिए आवास नहीं है, तो हम वन को काटेंगे, उससे क्या हमारा दो नुकसान है, एक तो प्राकृतिक वन को हम क्या काट रहे हैं, क्या करते हैं, वन काट रहे हैं, और अपने आवास बनाने के लिए, आवास बनाने के हम वन काट रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसको काट कर हम लोग खेती कर लेंगे, तो ये उसमें क्या होगा, भूमि तो हमारे कृषि योग्य भूमि में कमी आ गया। तो यही कहा जाता है कि भूमि में कमी होना क्या कहता है, भूमि ह्रास कहलाता है। जैसे उद्योग के माध्यम से देखिए, जहां पर हम लोग क्या करते थे, मान लो कृषि योग्य भूमि करते, वहां पर उद्योग लोग लगा दिए, तो ये क्या गया, भूमि ह्रास कहलाएगा, क्योंकि भूमि में कमी हो गया। ये देखिए आप है क्या, जैसे ये सब हमारा क्या है, उसके बाद यहाँ पर अति जनसंख्या होने के बाद क्या, अति जनसंख्या के होने के बाद कारण यहाँ पर क्या आ गया, हम लोग ये घर बना दिए, अधिक जनसंख्या हो गया, तो इसके कारण हो गया, जैसे रहने के लिए आवास बना दिए, इससे क्या भूमि में ह्रास हो गया। अगला पॉइंट आप टॉपिक देखते हैं, अब कहा था कि जो भूमि ह्रास हम लोग पढ़े थे, और कहता भूमि ह्रास का रोकने का उपाय, कि भूमि ह्रास को हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि अगर रोकेंगे नहीं तो एक हमारी बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि भूमि हमारे क्या सीमित संसाधन है, क्या है सीमित संसाधन है, तो देखिए उसको कैसे उसको रोकेंगे, जैसे पहला वन रोपण करके, वन रोपण करके जो क्या होता है, भूमि अपवर्धन होता है, उसको हम रोक सकते हैं। अगर क्या लगाएंगे, वन रोपेंगे तो भूमि जो अपवर्धन हो रहा था, जो नाश हो रहा था, ये क्या होगा, बचेगा, अपवर्धन नहीं होगा। उसके बाद अगला जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी कर, जनसंख्या अगर वृद्धि होगा तो भी हमको जनसंख्या बढ़ेगा, तो या जहां पर हम कृषि करते हैं वहां पर क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे या उसकी यहाँ उद्योग लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, भूमि का में कमी आएगा, इसलिए हमको लोग क्या करें, जनसंख्या पर थोड़ा नियंत्रण करेंगे। उसके बाद तीसरा है पहाड़ी भागों में सीढ़ी नुमा खेती करके, क्योंकि पहाड़ी नुमा अभी जो हमारे देखे हम लोग पढ़े थे कि पहाड़ी क्षेत्र में मात्र 10% हमारा कृषि योग्य भूमि है, उस पर क्या करेंगे, उस पर हम लोग सीढ़ी नुमा कृषि करेंगे, उससे हमारा क्या होगा, आगे बढ़ेगा, उसमें हमारा विकास होगा। उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र में कटीली झाड़ियां लगाकर, कहा था कि मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या लगा के, कटीली झाड़ी लगा के जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र में जो भूमि पड़ा हुआ है, कम से कम वे आगे न बढ़े, जहां पर है उसी को सीमित करें। या हमको लोग क्या झाड़ी लगाएंगे तो वहां पर क्या होगा, मानसून आएगा तो हो सकता है बारिश होगा, तो वहां पर हम लोग क्या करते, फिर कृषि कर सकते हैं। उसके बाद है औद्योगिक कचरा को यत्र तत्र ना फैलाकर, कारा कि औद्योगिक कचरा क्या हम सभी जगह फेंक देते हैं, इससे भी है क्या हमारा भूमि में उसके गुण में कमी होता है, क्यों हम लोग जितने भी कचरा जहां तहां फेंकेंगे तो उसमें भूमि में क्या
ये पृथ्वी पर जाएगा और उससे क्या होगा, हमारा भूमि खराब होता है, पोषक तत्व में कमी आता है, इसलिए कचरा को जहां तहां नहीं फेंकेंगे। उसके बाद बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करके कह रहा कि जो बंजर भूमि है उसमें देखेंगे क्या क्या चीज की कमी है, उसके जो चीज की कमी है उसके लिए हम लोग प्रबंध करेंगे। ये मान लीजिए जल नहीं है कि उसके पोषक तत्व में कोई तत्व नहीं है या उसमें कमी है, तो उसको पहले क्या करेंगे, उसको सही उपयोग करेंगे। उसका जल मगन भूमि का उचित प्रबंध कर उपयोग किया जाना चाहिए। कह रहा कि जहां पर जल मगन माने हमेशा पानी रहता है, उसको उचित प्रयोग माने उसे कैसे निकाला जाए इस पानी को, और उसको हम कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं, तो इसको इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, उस क्षेत्र को हम उचित प्रबंध करके उपयोगी किया जाना चाहते हैं, उसको हम कर सकते हैं। तो फिर आज की क्लास यही हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।